नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 हिंदी सुगम भारती की दूसरी इकाई हम आज से शुरू कर रहे हैं। दूसरी इकाई में पहला जो पाठ है वो है पंपासर। यह एक पद्य है, कविता है, जो लिखी है नरेश मेहता जी ने। इनका परिचय है, जन्म 1922 शाजापुर मध्य प्रदेश और मृत्यु 2000, यानी नरेश मेहता जी को गए हुए 22 साल बीत चुके हैं। उनका परिचय, दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नरेश मेहता जी उन शीर्षस्थ रचनाकारों में से एक है जो भारतीयता की अपनी गहरी दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। आपकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, जिसमें विषयानुकूल भावपूर्ण प्रवाह है। आपकी प्रमुख कृतियां है कितना अकेला आकाश, यात्रा संस्मरण है, चैत्य अरण्य, आखिर समुद्र से तात्पर्य, उत्सवा, वन पाकी सुनो, प्रवाद पर्व आदि कविता संग्रह है। उत्तर कथा दो भागों में है, डूबते मस्तूल दो एकांत यह उपन्यास है, और शबरी संशय की एक रात ये खंड काव्य है। अब प्रस्तुत पद्य संबंधी, प्रस्तुत पद्यांश शबरी खंड काव्य से लिया गया है। यहाँ पर कवि नरेश मेहता जी ने पंपा सरोवर के पास ऋषि मुनियों के आश्रम, बटुक जन के क्रिया कला, वहां के पशु पक्षी, प्रकृति सौंदर्य आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। बच्चों, आपको पता है शबरी माता जो रामायण में जिनका उल्लेख है, जो प्रभु श्री रामचंद्र की राह देख रही थी, और जब प्रभु श्री रामचंद्र उन्हें मिलते हैं तो शबरी माता प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता माता को बड़ी ही प्यार से अपनी कुटिया में स्थान देती है और अपने झूठे बैर उन्हें खाने को देती है। अब बैर झूठे क्यों है? क्योंकि शबरी माता एक एक बैर को चख कर जो मीठे है उन्हें अलग करती है और जो खट्टे उन्हें फेंक देती है। तो इस तरह से मीठे बैरों को एकत्रित करके वह प्रभु श्री रामचंद्र जी को खाने को देती है। जब प्रभु उन बेरों को खाने लगते हैं, तो लक्ष्मण अपने भाई से कहते कि भैया, ये तो झूठे बेर है, आप क्यों खा रहे हो? तो प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको कहते हैं, देखो लक्ष्मण, शबरी हमारी माता समान है, और माता जब हमें कुछ खाने को देती है तो उसका झूठा भी हो तो भी वह पवित्र होता है। तो इस तरह से यह शबरी माता के बारे में कथा प्रसिद्ध है। अब चलिए कविता पढ़ते हैं पंपासर। शाल और सागौन वनों को पार किया शबरी ने, शाल और सागौन वनों को पार किया शबरी ने, सुन रखा था नाम कभी पंपासर का शबरी ने। पंपासर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के है आश्रम, पंपासर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के है आश्रम, ज्ञान व्यान तप आराधन के तीर्थ रूप है आश्रम। प्रातकाल हुआ ही था, सब स्नान ध्यान में रत थे, यज्ञ आदि के लिए बटुक जन लकड़ी बीन रहे थे, कोई क्यारी छाट रहा था, सींच रहा जल कोई, दुही जा चुकी थी गाय सब, रंभा रही थी कोई, गीले आंगन में हरिणों के खुर उभरे पड़ते थे, बैठे आम की डाली पर तोते चीखे पड़ते थे, जल कलशी ले ऋषि कन्याएं पोखर आती जाती, भीगी एक वसन में वे सब धूले चरण घर चलती, यज्ञ वेदिया सुलग चुकी थी वेद पाठ था जारी, कितनी दिव्य और भव्य थी शांति यहाँ की सारी, थी विशाल कितनी हरितिमा शोभित थी पगवाटे, था विराट वट वृक्ष खड़ा फैलाए वृद्ध जटाए, दूर किसी एकांत विजन में मुग्ध मयूरी तन्मय देख रही अपने प्रिय का रास नृत्य जो रसमय,
हरी सिंगार, चंपा, कनेर, कदली, केला थे फूले। हर सिंगार, चंपा, कनेर, कदली, केला थे फूले। कमलों पर टूटे पड़ते थे भ्रमर सभी रस भूले, भ्रमर सभी रस भूले। बहुत ही सुंदर कविता है। यह एक कविता नहीं है, यह एक खंड काव्य है जो एक बहुत बड़ा ग्रंथ होता है, और उस ग्रंथ को नरेश मेहता जी ने काव्य के रूप में लिखा है। तो शबरी खंड काव्य से पंपासर यह कविता ली गई है। चलिए अब हर पंक्ति का अर्थ जान लेते हैं कि नरेश मेहता जी हमें क्या बता रहे हैं। सबसे पहले, शाल और सागौन वनों को पार किया शबरी ने। देखिए बच्चों, शाल और सागौन यह वृक्ष के प्रकार है, जंगल होते हैं, सागो के जंगल, शाल के जंगल, शाल वृक्ष, अशोक वृक्ष। तो इस प्रकार से शाल वृक्ष है और सागौन भी वृक्ष है। तो शाल और सागौन वनों को पार किया शबरी ने, शबरी ने इन वनों को पार किया, आगे आगे बढ़ रही थी और सुन रखा था नाम कभी पंपासर का शबरी ने। शबरी ने सुना था कि पंपासर में प्रभु श्री रामचंद्र जी रुके हुए हैं और उनसे मिलने के लिए शबरी वनों को पार करके आगे बढ़ रही थी। अब पंपासर का वर्णन किया गया है। पंपासर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के है आश्रम, ज्ञान व्यान तप आराधन के तीर्थ रूप है आश्रम। देखिए, यह जो पंपासर सरोवर है, यह बहुत बड़ा सरोवर है जो उत्तर भारत में व्याप्त है, और वहां पर सरोवर के इर्द गिर्द जो भी प्रदेश है, उस प्रदेश में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम है। और इन आश्रमों में कौन सा काम चलता है? तो ज्ञान व्यान, यानी कि ज्ञान का काम चलता है, ज्ञान दान करने का, तप करने का, आराधना करने का। तो ज्ञान व्यान तप आराधन के तीर्थ रूप है आश्रम, यानी आश्रम एक तीर्थ स्थल की तरह है। तीर्थ स्थल यानी जहां पर हम भगवान को, भगवान के दर्शन के लिए जाते, जो पवित्र स्थल होता है उसे तीर्थ स्थल कहते, पवित्र स्थल। तो ऋषि मुनियों के जो आश्रम है वे भी तीर्थ स्थल के समान है, पवित्र स्थल है। प्रातः काल हुआ ही था, सब स्नान ध्यान में रत थे। प्रातः काल होते ही सबसे पहले हम अपने शरीर की सफाई करते हैं, उसके बाद ही हमारे बाकी के कार्य करते हैं। तो जैसे ही प्रातः काल हुआ, सुबह हुई, सभी ऋषि मुनि और आश्रम में रहने वाले जितने भी लोग थे, ऋषि कन्याएं, बच्चे, ऋषि मुनि, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। तो सबसे पहला काम था स्नान। तो स्नान और ध्यान में रत थे, स्नान करके ध्यान करने में रत थे। यज्ञ आदि के लिए बटुकजन लकड़ी बीन रहे थे। अब देखिए, जब ऋषि मुनियों को ध्यान करना होता है तो उसके साथ साथ वे यज्ञ भी करते हैं। यज्ञ में एक वेदी होती है जिसमें लकड़ियां डालते हैं और उसे सुलगाते हैं। तो आग जलाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती है। तो आश्रम में जो बटुकजन, जो बच्चे होते हैं, वे जंगल में जाकर लकड़ी बीन रहे थे। कोई क्यारी छाट रहा था, सींच रहा जल कोई। देखिए बच्चों, आश्रम जो होता है वहां पर बहुत सारी कुटिया होती है और कुटिया के आसपास छोटे छोटे बाग बगीचे होते हैं। तो इन बगीचों में फूल पौधे लगाए जाते हैं। तो उन फूल पौधों की जो क्यारी थी, उस क्यारी को छाटने का काम, यानी कि फूलों को अच्छी तरह से रखने का, या फिर जो पौधे होते उन पौधों को अच्छी तरह से जमीन में पिरोया जाता है और उन्हें जल सींचा जाता है, जल देना यानी जल सींचना, यह काम शुरू हो चुका था। और कुछ कर्मचारी, कुछ महिलाएं या कहिए कुछ बच्चे गाय का दूध निकाल रहे थे और कुछ गायें रंभा रही थी, यानी अपने मुंह से आवाज कर रही थी। गीले आंगन में हरिणों के खुर उभरे पड़ते थे, गीले आंगन में हरिणों के खुर उभरे पड़ते थे, बैठ आम की डाली पर तोते चीखे पड़ते थे। अब देखिए, आंगन में पानी की बौछार कर दी है और आंगन की मिट्टी थोड़ी सी गीली हो चुकी है। तो आश्रम के आजू बाजू में इर्द गिर्द कुछ हरिण भी रहते हैं। तो वे हरिण वहां से जब गुजरते हैं तो उनके खुर यानी उनके पैरों के निशान उस जमीन पर उभरे पड़े थे,
और आम की डाली पर कुछ तोते बैठे थे और जो चीख रहे थे। जल कलशी ले ऋषि कन्याएं पोखर आती जाती, पोखर यानी तालाब, तो तालाब से पानी भरने के लिए जल कलशी यानी जो कलश होता है, कलश लेकर ऋषि कन्याएं सरोवर की ओर जा रही थी। तालाब पर जाकर वह पानी तो भरती थी लेकिन स्नान भी कर लेती थी, इसलिए एक ही वस्त्र में वे भीगी थी। इसलिए कहा है भीगी एक वसन में वे सब, और धूले चरण घर चलती। तो अब उनके चरण धुल चुके हैं, वे जब घर पर आती है तो उनके चरण धुले हैं। यज्ञ वेदियां सुलग चुकी थी, वेद पाठ था जारी, कितनी दिव्य और भव्य थी शांति यहाँ की सारी। देखिए अब दिन का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो शुरू हो चुका है, यानी कि यज्ञ वेद पाठ शुरू हो चुका है। और उस समय आश्रम का जो वातावरण है वह अत्यंत दिव्य और भव्य दिख रहा है, और उसकी शांति भी मन को लुभा रही है। थी विशाल कितनी हरितिमा, शोभित थी पगवाटे, था विराट वट वृक्ष खड़ा, फैलाए वृद्ध जटाए। बच्चों आश्रम जंगल में है, तो यहां पर विशाल हरितिमा यानी चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, इसलिए कहा है कि विशाल हरितिमा शोभित थी पगवाटे। और इन हरियालियों में से जो पगवाटे होती है जहां से आदमी आता जाता है, छोटे छोटे रास्ते चलने से वहां की जो घास होती है वह निकल जाती है और वहां पर पगवाट नजर आती है। तो चारों तरफ हरियाली थी और जो पगवाटे थी वह शोभित थी, बहुत अच्छी दिख रही थी। और था विराट वट वृक्ष खड़ा, और इस जंगल में वट वृक्ष भी खड़ा है जो फैलाए वृद्ध जटाए, जिसकी जटाएं वृद्ध हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, फिर भी वह अपनी वृद्ध जटाओं को फैला रहा है। तो विराट वट वृक्ष खड़ा है और अपनी वृद्ध जटाओं को फैला रहा है। दूर किसी एकांत विजन में मुग्ध मयूरी तन्मय, और दूर किसी एकांत में मयूरी यानी एक होता है मोर, और उसकी जो पत्नी होती है उसे मयूरी कहते हैं। तो दूर किसी एकांत में मोर की मयूरी मुग्ध हो रही थी, तन्मय हो रही थी, शायद वह कुछ देख रही थी, तन्मयता से देख रही थी। तो क्या देख रही थी? देख रही अपने प्रिय का रास नृत्य जो रसमय, उसका जो प्रियकर था, उसका जो पति था मोर, वह नाच रहा था, नृत्य कर रहा था। वह नृत्य इतना रसमय था कि मयूरी तन्मयता से मुग्ध होकर, एकाग्र चित्त होकर अपने मोर का नृत्य देख रही थी। और अंतिम पंक्ति है, हर सिंगार चंपा कनेर कदली केला थे फूले, ये सभी फूलों के नाम है। हर सिंगार चंपा कनेर कदली और केला, केला यानी फल भी होता है लेकिन केला के फूल होते हैं। तो ये सभी फूल थे फूले, हर सिंगार चंपा कनेर कदली केला थे फूले, कमलों पर टूटे पड़ते थे भ्रमर सभी रस भूले, भ्रमर सभी रस भूले। और कमल के जो फूल थे उन पर जो भौरे होते हैं भ्रमर, वह भ्रमर वह भौरे बैठकर रस चूसने का अपना दैनंदिन कार्य कर रहे थे। तो इस प्रकार यह जो कविता है पंपासर, इसमें ऋषि मुनियों का आश्रम, बटुक जन के क्रियाकलाप और यहाँ के पशु पक्षी प्रकृति सौंदर्य आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन आदरणीय नरेश मेहता जी ने किया है। आप सभी फिर से इस कविता को पढ़ लीजिए, और इस कविता के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं उनका सवाल हल कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।